उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं गुरुपर्व दी नाल सबको बधाई देने वास्ते इत्थे आया हूँ, तो लख लख सब लोगों को, सारे देशवासियों को बधाई है जी। गुरुपर्व दिन है, गुरु जी का प्रकटोत्सव का दिन है, ये मानवता के इतिहास का एक बड़ा भारी पृष्ठ है जिसको मैं बार बार नमन करता हूँ। और वाहेगुरु ने हमारी उत्तराखंड की धरती को भी पवित्र किया, नानक भट्टा साहब, रीठा साहब, ये सब उनकी कृपा के फल हैं, और पीपल साहब, उसके बाद हेमकुंड साहब उनके बाद भी आए, तो गुरु लोगों का हमेशा बड़ा स्नेह रहा उत्तराखंड की धरती से, मैं उस स्नेह को भी प्रणाम करता हूँ जी। और एक गुरु पर्व के साथ साथ बहुत बड़ा दिन आज किसानों के लिए, सिख समुदाय के लिए, क्योंकि मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को लंबे आंदोलन के बाद वापस ले लिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये किसानों की जीत है, बहुत बड़ी जीत है जी, है तो अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत बड़ी जीत है और इसने सरकारों के अहंकार को तोड़ा है। 2022 में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कैसी तैयारी चल रही है कांग्रेस की? चंगी चल रही है जी, तो यदि मेहरबानी रहेगी तो सब चंगा चंगा होगा।